Our running costs are significantly less than the income we're pulling in. I suggest we start looking for opportunities to spend that profit margin. तो हेलो गाइस, आप सबका देखिए इस वक्त की वीडियो में इस वीडियो में खेलने जा रहे हैं F1 2021 माय टीम करियर मोड और हम आ चुके हैं मैक्सिकन ग्रैंड प्री। पिछली दो रेसें बहुत ही बेकार गई हैं हमारी, बेकार नहीं गई हैं, टॉप फाइव में आए हैं। पिछली रेस में हम पोडियम पर आए थे, फिर भी वो बेकार हैं क्योंकि हम चैंपियनशिप में पीछे होते जा रहे हैं और सिर्फ फाइव रेसेस बचे हैं मेरे ख्याल से, एंड 40 पॉइंट हम पीछे हैं लगभग, मतलब 39 पॉइंट्स पीछे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब पता नहीं कैसे ये पहुँचेंगे हम आ तक। यहाँ पर पहले देखते हैं स्पॉन्सर रिन्यूअल निशे का ऑटोमैन का है, डेफिनेटली रिन्यू कर देते हैं। एक्टिविटीज़ पे चलते हैं, हमेशा एक्टिविटीज़ पे बोल के मैं वो फैसिलिटीज़ पे जाना ही होता है। दो दिन हमारे पास फ्री हैं, वेट ट्रेनिंग यहाँ पे बिल्कुल सेकंड ड्राइवर, जब अगर पर हमारे पास ऑप्शन होता तो डेफिनेटली हम वही करते हैं। फैसिलिटीज़ पर अभी तो कुछ करना नहीं है, बाकी ड्यूरेबिलिटी कुछ मिल रहा है नहीं अभी नहीं। ओ अच्छा, पावर टर्न में कुछ आओ। तुम लोगों को मैंने एक चीज़ बताई हाँ कि नेक्स्ट सीजन मतलब रेगुलेशन चेंजेस हो रहे हैं, तो इसलिए ये सब बहुत सारे मतलब ऐसे पार्ट्स हैं जो जिनको हम बचा सकते हैं, और बहुत सारे मतलब फिर से मतलब वो हमको अपग्रेड करने पड़ेंगे नेक्स्ट सीजन। तो ये काफ़ी बेकार बात है हमारे लिए क्योंकि अब हमें दोबारा से सब कुछ रिबिल्ड करना पड़ेगा नेक्स्ट सीजन। बट जितने पार्ट्स हम बचा सकते हैं उतना हमारे पास अभी ऑप्शन है, तो डेफिनेटली अब हम वही करते हैं तो नेक्स्ट सीजन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट सीजन भी मतलब ये सीजन वैसे मुझे लगता नहीं है कि नेक्स्ट सीजन, पता नहीं हम कहाँ लड़ेंगे, रहे होंगे कि नहीं लड़ रहे होंगे चैंपियनशिप के लिए। बट इस सीज़न जब तक हमारी, क्योंकि अब पार्ट रेगुलेशन चेंज होगी तो मेरे ख्याल से पार्ट इतने काफ़ी सारे चेंज हो जाए, काफ़ी सारे मतलब होने वाले हैं। अभी तो तुम पावर यूनिट कितने सारे देख रहे हो, तो हर किसी मेरे ख्याल से इतने ही पार्ट से तो देखते हैं। बट ये सीज़न भाई चैंपियनशिप जीतनी है, कैसे जीतेंगे ये देख सकते हो, सारे पार्ट्स आ गए हैं मेरे ख्याल से तो। और भाई सब कुछ बस ये अच्छा, ये वो आए जो बचे हुए हैं, बाकी सब हो गए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, शुरू से बस करते चले जाओ। ओहो कितने सारे पार्ट्स हैं भाई, इतने बच गए हैं, अभी एक लाइन बाकी है, बाकी हम दूसरे के भी कर लेते हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पर। चेसी एयरडायनेमिक्स में मेरे ख्याल चेंज नहीं होने वाले हैं, तो चेसी और सिर्फ पावर टन की चेंज हो रहे हैं, तो बचा सकते हैं हम ऐसे। अच्छा खासे पॉइंट्स हमारे पास, पहले यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी में देख लेते हैं कोई अपग्रेड आया है, अपग्रेड यहाँ पर कम्प्लीट हुए थे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अभी तक आने अवेलेबल है। चेसी में हम कर लेते हैं जल्दी से, वैसे दिक्कत वाली बात है नहीं, काफ़ी सारे पॉइंट्स का ही अच्छा अच्छा खासा फ़ायदा हुआ, और यहाँ पे फाइनली पॉइंट्स अब ख़त्म हो गए हैं। ओ भाई साहब कितने सारे हैं, और इसमें तो सारी पूरा ही है, तो चेसी तो पूरा ही है, तो काफ़ी सारे पार्ट्स चेंज होने वाले हैं। और ये है कुछ परफॉर्मेंस मस्टीज से ज़्यादा, तो तुम्हें वो रेडबुल तेज़ लग रही है, बहुत ज़्यादा भाई तेज़ है। मैक्स वर्स्टापन ने कुछ स्टैंडिंग यहाँ पे देखते हैं हम सीजन रिजल्ट्स में, तो पिछली दो रेस लगातार और पिछली चार में से तीन रेस जीती हैं, एक सेकंड आया भाई साहब, और अलग ही मतलब अलग ही चीज़ है, अलग ही बंदा चल रहा है भाई इस सीजन। शुरू के जब ऑस्ट्रेलिया तक तुम एक भी रेस नहीं जीती, ग्रेट ब्रिटेन से बस या तो बंदा जीतता है या बाहर होता है, बस एक बार सेकंड आया है। बड़ी हमारे लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है क्योंकि अभी पाँच रेस बाकी हैं, बट 40 पॉइंट हमें जीतनी पड़ेंगी सारी रेसें। तो चलते हैं गाइस सीधे मैक्सिकन ग्रैंड प्री पे, लेट्स गो। ओके, वी हैव द न्यू पार्ट्स कम थ्रू द फैब्रिकेशन प्रोसेस, वी विल हैव देम विद अस फॉर द नेक्स्ट ग्रैंड प्री। और बिल्कुल यहाँ पे गो टू द रेस वीकेंड, आई होप कि अच्छा रिजल्ट आया, मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं, अब फर्स्ट ही चाहिए, अब फर्स्ट अगर नहीं आएंगे तो डेफिनेटली चैंपियनशिप बाहर जाएंगे, और मैं नेक्स्ट सीजन पर नहीं छोड़ना चाहता हूँ चैंपियनशिप अपनी, मैं नहीं चाहता भाई, इतनी मेहनत करी हम लोगों ने सीजन, बिल्कुल हम वो डिजर्व करते हैं, डिजर्व नहीं कर पता नहीं, ऐसा नहीं डिजर्व सब करते हैं जो भी अभी जीतेगा, बट हमें जीतनी है, ये है कि हम डिजर्व करेंगे जाके, ये काम करके हमें दिखाना है। अभी तो कोई नहीं, अभी तो सभी करता है, वर्स्टापन जिस तरीके जीत रहा है वो भी करता है, और भी हैं मतलब पेरेज भी है, बोटास भी है, वो सब भी सब ने अपने अपना करा है, हमने भी भाई टीम बनाई है पूरी शुरू से,
पहला सीजन से लेकर थर्ड सीजन तक हमने इसी के ऊपर काम किया कि हम एक दिन चैंपियनशिप जीतेंगे। वो लोग तो जीते हुए इंसान है यार, तो हम तो जीतने के लिए आए यहाँ पे। तो चलते हैं गाइस, इतनी ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, हमेशा मैं बकवास ज़्यादा कर देता हूँ ये सब बोल के, बट लेट्स गो। तो गाइस हम आ चुके हैं मैक्सिकन सिटी, और बिल्कुल एक बहुत ही लंबा स्ट्रेट यहाँ पे है। हमने Q1 का लैप अपना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही लंबा स्ट्रेट है, एक इतना लंबा स्ट्रेट है कि मज़ा आता है। बहुत ही बड़ा ओवरटेकिंग चांस है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा स्ट्रेट है, और बिल्कुल 300 350 के आसपास स्पीड रहती है मैक्सिमम। और यहाँ पे फाइनल टर्न एंड फाइनल कॉर्नर्स क्रॉसेस द लाइन नाउ। 2-2 में तो चली गए होंगे, इतना तो सरप्राइजिंग पेस नहीं होगा कि हम बिल्कुल Q1 में ही बाहर हो गए, तो ये तो है नहीं कि बढ़िया देखना ये Q1 में हम कितना पास हैं आगे वाली कार के। सेकंड नंबर पे काफ़ी अच्छा टाइम, इसके मतलब काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए अगर ऐसा है। हमारे टाइम में कोई सरप्राइजिंग ड्राइवर बाहर नहीं हुआ, तो बिल्कुल यहाँ पर चलते हैं क्वालिफाइंग 2 पे। और यहाँ पे हम आ चुके हैं क्वालिफाइंग 2 पे गाइस, तो डेफिनेटली अपना लैप स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे रेडबुल एक फील्ड में खड़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों खड़ी है, मतलब अभी तो हम लोग लास्ट टाइम में Q1 में, और मैं Q2 में मैं बस एक ही लैप मारता हूँ, वो भी लास्ट में जब 2 मिनट रह जाता है जब निकलता हूँ मैं, तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी कार्स खड़ी रहती है, ड्राइविंग के लिए मिलता है, आराम से निकलता हूँ एकदम। बट यहाँ पे फाइनल कॉर्नर्स आ चुके हैं, फाइनल टर्न यहाँ पे एंड क्रॉस इज द लाइन नाउ। और अब दे अब तो थोड़ा सा हो सकता है कि हम Q3 में बाहर हो जाएं, Q2 में बाहर हो जाएं, बट ऐसा अभी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम Q2 में बाहर हो जाएंगे तो ये चैंपियनशिप भूल जाओ कि ये हमारे पास आने वाली है फिर। और बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे हैं, और काफ़ी अच्छा पेस भी है, 0.082 सेकंड से पीछे हैं, ओ काफ़ी क्लोज। यहाँ पर कोई सरप्राइजिंग ड्राइवर बाहर हुआ, शायद लगता है बाहर हो गए, ये सरप्राइजिंग ड्राइवर में है, क्योंकि फ़ारी काफ़ी अच्छा पेस है, तो ऐसा Q2 में बाहर हो जाना तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। बट यहाँ पे हमने क्वालिफाइंग 3 का लैप स्टार्ट कर दिया, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पे जितना हो सके उतने में मतलब पोल पोजीशन अगर आ सकती है तो बिल्कुल हमें पोल पोजीशन पर लगता है, बट पीछे नहीं लग सकते हम भाई, टॉप 5 में तो रहना ही रहना है, लगना ही लगना है। यहाँ पे देखते हैं कैसा पीस आता है, यहाँ पे क्रॉस इज द लाइन नाउ एंड अभी तो 4th पर ही आए हैं, तो यहाँ पे मतलब एक और वो यहाँ पे एस्टेबन ओकन यहाँ पे सेकंड पे था, लेकिन यहाँ पे सभी ड्राइवर ने जब टाइम आ लिया तो यहाँ पे एस्टेबन ओकन 5th पे और हम 8th नंबर पर ही हैं, वो भी एक सेकंड पॉइंट 1 सेकंड मतलब 1.1 सेकंड पीछे है वो भी। बट यहाँ पे पिट स्टॉप से बाहर जाते हुए यहाँ पे रितेश, और यहाँ पे पीछे मर्सिडीज काफ़ी यहाँ पे धीरे चला रहे हैं रितेश, और फाइनली यहाँ पे साइड देते हुए मर्सिडीज को, जी आप जाइए यार, आप हमें मुक्त कीजिए हमें, क्योंकि क्लीन लैप मारना, कोई आगे पीछे रहे ना हमारा दिमाग भटक जाता है यार फिर। बट यहाँ पे सेकंड सेक्टर के जो एस कर्व्स हैं, एस बोल रहा हूँ हाँ बिल्कुल, जो एस सेक्शन है यहाँ का मैक्सिको का, यही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहीं पे हम थोड़ा सा पेस अपना लूज़ कर रहे हैं, बाकी तो पूरा ट्रैक पे हमारा काफ़ी अच्छा पेस आ रहा है, बट वही सेक्शन है जो कि हम अच्छा उतना अच्छा पेस नहीं आ रहा जितना हम चाहते हैं, जिसकी वजह से हम जितना टाइम लूज़ कर रहे हैं सब वहीं पर कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्रॉस द लाइन नाउ एंड यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे आएँ, काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्या बोलते हैं इम्प्रूव किया, यहाँ पे 0.7 10th आई थिंक मेरे कैसे इम्प्रूव किया, और बिल्कुल यहाँ पे 4th नंबर पे, जिस वजह से आप ही पाएँ 2 10th यहाँ पे सिर्फ पीछे रह गए मैं फर्स्टापन से, और यहाँ पे सेकंड वाला और थर्ड वाले बिल्कुल ही बहुत ही पास थे भाई। और यहाँ पे चलते हैं सीधे फिर रेस में। Here we go then. It's time to race in Mexico City, a place which gave Honda their first ever victory back in 1965. American Richie Ginther won from third on the grid. And what are the Honda-powered cars this year? Well, Red Bull have been going strong here in recent seasons, so can they keep that record going today? We're a long way above sea level here in Mexico today, which could pose some cooling issues for the cars as they make their way around this 2.6-mile lap. 17 corners with top speeds in excess of 220 miles per hour, and watch out for potential overtaking into turns 1 and 4. It's just about time to go to the track for the beginning of the race, but before we do, Anthony Davidson, what types of strategy do you think we can expect for today's event? Well, there's a lot that both the driver and the team have to keep in mind when going into a race.
tires, fuel, energy recovery systems, the list goes on and on. But I think the key to today's victory will come down to the pit stop strategy. Come in too soon and you might find yourself needing more than one stop. Too late and you're putting yourself at a disadvantage by spending longer on worn tires. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position. And Lewis Hamilton completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Singh Bottas, Esteban Ocon and Sainz, Russell, Stroll, Leclerc and Pierre Gasly, Perez, Latifi, Antonio Giovinazzi and Ricciardo. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Raikkonen, Daruvala, Yuki Tsunoda. They've taken a grid penalty. And Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Aitken, Norris and Guan Yu Zhou. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. We're still in with the chance of winning the title. We need you to push as hard as you can in the five remaining races. और यहाँ पे मोटिवेशन देते हुए थोड़ा सा हमको कि पांच रेस से बाकी हैं, बिल्कुल अपना सब कुछ लगा दो जितना लगा सकते हो दाव पर, जेफ बोलते हुए यहाँ पे स्ट्रेटजी देखो तो सॉफ्ट मीडियम है, टू स्टॉपर्स हैं बस भाई आगे पीछे करके लगाना हमको। यहाँ पे सारी कार्स फॉर्मेशन लग के लिए जाती हुई और बिल्कुल यहाँ पर अब सारी कार्स अपनी अपनी पोजीशन पे लग रही हैं रेस स्टार्ट होने के लिए। काफ़ी लंबा स्ट्रेट है तो काफ़ी यहाँ पे हमें, मुझे लगता है हमारे लिए कब बेकारी होगा क्योंकि हमारा एक्सीलरेशन तो होता है नहीं शुरुआत में, हमें तो वो शूट करता है जहाँ पर तुरंत टर्न हो जाए तो वहीं पर होगा, हमने तो इतनी लंबे स्ट्रेट पर तो पता नहीं कब तक स्पीड पकड़ेगी कब तक तो पीछे कर देगी। अब लाइट्स ऑफ है ना भाई, भी यहाँ पर मस्टा बन गए, एक अच्छा स्टार्ट हुआ लेकिन यहाँ पे आगे जाते हुए, लेकिन यहाँ पे हमसे स्टेबोनो को यहाँ पे आगे निकल चुके, फरारी यहाँ पे आगे देख चुकी है, यहाँ पे एल्फिन भी यहाँ पे हमसे आगे निकल चुके तो देख सकते हो तुम, जैसा कि मैंने बोला था। बट यहाँ पे हेमिल्टन यहाँ पे पीछे ट्राई करते हो, यहाँ पे स्टेबोनो को काफ़ी अच्छा वहाँ पे से थर्ड के लिए थर्ड पे आ चुके हैं, वहाँ पे स्टेबोनो को है, यहाँ पर रितेश का एक और बेकार स्टार्ट, चौथे पे सीधे सातवें नंबर पर आ चुके हैं और एल्फिन यहाँ पे हमसे आगे चल रही है, यहाँ पे एल्फिन और फरारी यहाँ पे फाइट करते हुए, यहाँ पे स्टेबोनो को का एक बेहतरीन स्टार्ट एक और बार और बिल्कुल थर्ड नंबर पर पहुंच चुके हैं एस्टेबन ओकन, जो कि हमारे टीम के लिए अच्छी बात है बट हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमारे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि हम पीछे हैं अभी। बट यहाँ पे ओवरटेक कर लिया यहाँ पे अल्फिन को, यहाँ पे चैलेंज करते हुए यहाँ पे कार्लोस सेंस को, यहाँ पे इन आउटसाइड में लेकिन फिर भी यहाँ पे ओवरटेक कर लिया यहाँ पे कार्लोस सेंस को, तो एक काफ़ी अच्छा वहाँ पे ओवरटेकिंग मूव। और अब आ चुके हैं वापस फिफ्थ पोजीशन पर, लेकिन अभी भी एक पोजीशन पीछे हैं अपने जहाँ पे लगे थे वो स्टार्टिंग पोजीशन से। और यहाँ पे बोटास हमसे आ गया, बोटास के आगे यहाँ पे एस्टेबोनो को यहाँ पे काफ़ी नीचे अच्छी यहाँ पे सिफ्टी मिलती हुई यहाँ पे बोटास को, यहाँ पे पीछे करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे एस्टेबोनो को इन साइड में, यहाँ पे बोटास तो क्या यहाँ पे पीछे कर पाएंगे यहाँ पे ओकन को, लेकिन नहीं, और यहाँ पे काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट हो सकता था यहाँ पे एक्सचेंज के साथ यहाँ पे रितेश का, लेकिन बच गए, यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ दोनों का में, तो ये अच्छी बात। बट यहाँ पे बोटास ने यहाँ पे ओकन को पीछे कर दिया और बोटास पहुँच चुके हैं थर्ड पे, लेकिन यहाँ पे एस्टेबोनो को यहाँ पे बीड में जाते हुए, अरे यार इसका यही चक्कर रहता है हर रेस में, इतना अच्छा स्टार्ट के बाद भी भाई पिट ठोक दी होगी कहीं जाके इसने ऑल राउंड पिट में, आप लो हो गया काम, और इस बार लास्ट में पहुंच जाएंगे भाई साहब ओवरटेक करते करते कहां तक आ जाएंगे, दसवें पे, अरे ये तो बहुत ही बेकार काम हो लगता है मेरे को कि इतना अच्छा स्टार्ट करके फिर फायदा ही क्या मिला जब तुमने पूरा ही सत्यानाश करा लिया अपनी रेस का। यही मेरा विश्वास है कि अगर आप तुम लोग दो तीन पोजीशन खो भी दो तो खो दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अब फ्रंट विंग टूट जाए तो फिर तुम्हारी पूरी रेसिंग बर्बाद हो गई। तो वैसे भी मैं पहले दूसरे लैब में इतना अग्रेसिव नहीं रहता हूँ पहले लैब में खासतौर की। बट यहाँ पे जी हाँ दारूला जी की कार यहाँ पे, और जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे स्मोक निकलता हो, यानी कि मैकेनिकल फेलियर यहाँ पे उनकी कार में, और इस रेस से बाहर हो चुके हैं यहाँ पे दारूला जी, और यहाँ पे हम कार्लोस सेंस के जस्ट पीछे हैं, और यहाँ पे DRS भी मेरे ख्याल से जी हाँ उपलब्ध मतलब एक्टिवेट हो गया, तो बिल्कुल यहाँ पे DRS भी, और काफ़ी लंबा स्ट्रेट है तो ऐसी बात भी नहीं है कि हम ओवरटेक नहीं कर सकते, और अगर इसे ओवरटेक इस स्टेट पे हम ओवरटेक नहीं की भी कर पाएंगे तो एक और स्टेट आता तुरंत इसी के बाद एक दो टर्न्स के बाद, तो उस पर भी DRS मिलता, तो ये काफ़ी अच्छी बात है स्ट्राइक की, काफ़ी अच्छी वहाँ पे ओवरटेकिंग मतलब सुविधा बोल सकते हैं सुविधा बोल रहा हूँ मैं, बट मेरे को याद भी नहीं आ रहा है, सुविधा ही बोल सकते हैं ठीक है, कुछ ज़्यादा हिंदी बोल रहा हूँ मैं, बट ठीक है। बट यहाँ पे पीछे लेक्लेयर्स भी लगे हुए हैं, तो मतलब कि सैंडविच हैं एक तरीके से, हम दोनों फरारी हैं, एक आगे है एक पीछे है, तो सैंडविच टाइप है हम अभी,
बट यहाँ पे अभी हम चैलेंज कर रहे हैं कार्लोस सेंस को और लक्लेसन को कर रहे हैं, बट लकलेस हम चाह गया इसी पहले हमें लसेंस आगे निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा पेस है, लकलेस का भी काफ़ी एग्रेसिव मूव कर रहे हैं वो पीछे से मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पे हम फिर से फाइनल कॉर्नर्स पे आ चुके हैं और यहाँ पे स्ट्रेट चालू स्टैंड स्ट्रेट मेन स्ट्रेट भी है ये और बिल्कुल यहाँ पे डी आर एस ऑन, लकलेस का भी डी आर एस ऑन है बट हमारे पास डी आर एस तो इसका चिंता करने की बात है नहीं, बट यहाँ पे लसेंस के पास नहीं है डी आर एस तो उनको चिंता करने की जरूरत बात है क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी मिलती हुई यहाँ पे डेफिनेटली गेनिंग कर रहे हैं रितेश आउट साइड सॉरी इन साइड में यहाँ पे रितेश और आउट साइड में यहाँ पे कार्लोस सेंस और बिल्कुल यहाँ पे आगे निकल गए यहाँ पे, लेकिन बिल टू बी यहाँ पे दोनों फाइट करते हुए यहाँ पे लकलेस स्पिन होते हुए अपने टीम मेट से कॉन्टैक्ट करके लकलेस और लकलेस स्पिन हो गए हैं वहाँ पे और काफ़ी पोजीशन वहाँ पे लॉस्ट कर दी होंगी। बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी सारी पोजीशन लॉस्ट कर दी हैं एंड फरारी के लिए एक बहुत बड़ा झटका क्योंकि आपस में ही दोनों टीममेट से लड़के मरे जा रहे हैं। और बट यहाँ पे अभी हमारे पीछे कौन है सेंज जी, वही जस्ट हमारे हाफ सेकेंड ही पीछे हैं और डी आर एस यहाँ पे मैंने स्ट्रेट आ चुका है तो डेफिनेटली उनके पास डी आर एस होगा तो यानी कि उनके पास अब अच्छा खासा चांस है ओवरटेक करने का। यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे एग्जिट किया, यहाँ पे एंट्री की यहाँ पे कॉर्नर की और बिल्कुल आधे स्टेट में हमको पीछे कर दिया उन्होंने और जिसकी वजह से हम बिल्कुल आगे निकल चुके हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इनसाइड लाइन को कवर करते हैं यहाँ पे रितेश, लेकिन लेट ब्रेकिंग की ट्राई करते हैं और बिल्कुल यहाँ पे सफलता यहाँ पे मिली उनको एंड बिल्कुल यहाँ पे पीछे कर दिया यहाँ पे कार्लोस सेंस को फिर से और पीछे नहीं हो हुए हैं यहाँ पे, ये अच्छी बात है क्योंकि इतना आधे स्टेट में वैसे वो पीछे हो गए थे बट काफ़ी अच्छी हमारी दिक्कत एक्सीलरेशन स्पीड है, हाई स्पीड नहीं, हाई स्पीड काफ़ी अच्छी है हमारी बट एक्सीलरेशन जो स्पीड है जो कि देर में पकड़ती है कार, बट जब पकड़ लेती है तो काफ़ी तेज़ है हमारी कार तो इसलिए हम उतना पीछे होते नहीं हैं, उतना हमें फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि हाई स्पीड हमारी काफ़ी अच्छी है, बट दिक्कत जब आती है क्योंकि एक्सीलरेशन करने में देर लगता है तो इसलिए पता नहीं कि एक्सीलरेशन कब क्यों नहीं ठीक हुई हमारी, कभी सारे अपग्रेड पूरे कर लिए पता नहीं कभी ठीक ही नहीं हुई। हम तीनों सीजन से हम यही कर रहे हैं, तीन सीजन हो गए हमें करते करते एक्सीलरेशन स्पीड ठीक लेकिन वो कभी हुआ ही नहीं ठीक, एक दो रेसों में हुई है बड़े एक दो रेसे में वही है ना एक दो रेसे और पूरी चैंपियनशिप में मैं वही चीज़ को बरकरार रखने में अंतर होता है। बड़े यहाँ पर पिट में जाते हैं, यहाँ पर देश कार्लोस सेंस भी अभी पीछे आ रहे हैं पिट में, ये देखना पड़ेगा कौन से टायर यहाँ पर लगवाते हैं। और यहाँ पर हैमिल्टन में कैसे आगे जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर वही सॉफ्ट टायर के साथ और यहाँ पर चीज़ें लगवाए हैं सॉफ्ट टायर्स मतलब हैमिल्टन सॉरी मीडियम टायर के साथ हैं और यहाँ पर हमने लगवाए हैं सॉफ्ट टायर्स, ये ठीक है स्ट्रेटजी बात ठीक है क्योंकि हम अगर हैमिल्टन पीछे करना चाहते हैं तो हमारे पास उनसे फास्ट टायर हैं इस टाइम बट हमसे बहुत आगे हैं। और यहाँ पर गाजरी भी हमसे आगे निकल चुके हैं, उन्होंने पिट स्टॉप नहीं कराया, उन्होंने मीडियम टायर्स के साथ ही स्टार्ट किया था तो ये इसलिए यहाँ पर आगे निकल चुके हैं। और यहाँ पर लकलेस भी आगे आ गए हैं और उन्होंने भी मेरे घर से पिट स्टॉप नहीं कराया बट यहाँ पे पीछे यहाँ पे सेंज और यहाँ पे उनके पास डीआरएस यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आ गए थे लेकिन आउटसाइड में होंगे यहाँ पे कार्लोस सेंज और इन साइड में यहाँ पे हाफ कर लेंथ आगे हैं बट यहाँ पे वापस यहाँ पे इन राइट हैंड एंड साइड में टर्न पड़ेगा चेंज के और बिल्कुल यहाँ पे डबल यहाँ पे राइट हैंड टर्न्स हैं और इसका मतलब ज़्यादा इन साइड है यहाँ पे चेंज के पास बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा एंट्री यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे सॉरी रितेश के द्वारा और बिल्कुल यहाँ पे वापस यहाँ पे अपनी पोजिशन ले लेंगे जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी बढ़िया फाइट दोनों के बिल टू बिल फाइट हो रही थी लेकिन फिर भी कोई कांटेक्ट नहीं होता इसकी अच्छी बात लेकिन यहाँ पे वापस यहाँ पे कार्लोस सेंस आगे आते हुए और यहाँ पे पीछे कर दिया यहाँ पे मेगा रितेश को लेकिन यहाँ पर रितेश वापस लेट ब्रेकिंग ट्राई करते हुए इन साइड में यहाँ पे रितेश और यहाँ पे काफ़ी पुश करते हुए वाइड सेंस को और फिर से यहाँ पे आगे आ गए हैं। काफ़ी अच्छी फाइट यहाँ पे होती हुई दोनों ड्राइवर्स के द्वारा, इतने बिल टू बिल दोनों पूरे लैप में ही लगभग चलते रहे हैं बट यहाँ पे ऐसा कहीं देखने को मिला कि यहाँ पर रिस्क हो तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे लगता है स्पीड में जाते हुए क्योंकि मैंने बोला था कि वो उन्होंने पिट नहीं कराई है और यहाँ पे दिक्कत ये है क्योंकि यहाँ पे सेंज के पास डी आर एस है ना हमारे पास नहीं है बट इसका मतलब फिर भी यहाँ पे वो पीछे नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम इनसाइड में हैं और बिल्कुल ये हमारे लिए अच्छी बात है बट यहाँ पर जिस बाहर जाते हुए थोड़ा सा ट्रैक के और बट ये अच्छी बात है घास वास नहीं है वहाँ पे तो उसका एडवांटेज मिल जाता है थोड़ा सा क्योंकि तो मतलब वहाँ पे कोई टाइम लूज नहीं होता बट यहाँ पे लेट ब्रेकिंग टाइम करते हैं यहाँ पे कार्लोस सेंस और बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल इनसाइड में आ गए थे बट यहाँ पे आउटसाइड में और यहाँ पे रितेश बिल्कुल पुश करते हुए आपको बाहर ट्रैक के और ये थोड़ा सा मेरे को लगा कि उन्होंने करा बट आई डोंट नो कैसा होता है एंगल थोड़ा सा बनाना पड़ता कि आपको थोड़ा सा बाहर ले जाओ दूसरी वाली कार को करा तो बराबर में है क्योंकि उसको मोड़ने के लिए उतनी जगह ना मिले और वही किया उन्होंने बट यहाँ पे फिर से यहाँ पे डी आर एस में यहाँ पे कार्लोस सेंस बिल्कुल यहाँ पे फिर से तेजी के साथ यहाँ पीछे आते हुए लेकिन हमारी स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वो काफ़ी
ओवरटेक ही करना चाहते थे, बट यहाँ पे एक दिन से ब्रोक किया, फिर यहाँ पे वापस जगह दी, और बट यहाँ पे इसके मतलब यहाँ पे पीछे नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी कर लो चेंज क्योंकि यहाँ ब्रोक कर दिया था एकदम से, तो डेफिनेटली उन्होंने ब्रेक पर लगाया होगा। और यहाँ पे स्पिन होते हुए एक अल्फा रोमियो कार, आई थिंक पता नहीं कौन है, बट एक अल्फा रोमियो यहाँ पे कार हुई है, एटकिन यहाँ पे, हाँ एटकिन यहाँ पे होते हुए क्योंकि दारू वाला तो भारी हो चुके हैं, तो एटकिन यहाँ पे स्पिन हुए, एक मतलब रोकी ड्राइवर मिस्टेक करी उन्होंने। और यहाँ पे अब हम आ चुके हैं पोटास के पीछे, और कार्लोस इनका भी पीछे छूट गए हैं, काफ़ी अच्छा पीछा रहा हमारा कुछ इलाकों से। यहाँ पे लकलस यहाँ पे अल्फा थाउरे के पीछे डी आर एस, यहाँ पे लकलस के पास फरारी की स्पीड, और यहाँ पे पीछे छोड़ दिया है हम आराम से, यहाँ पीछे छोड़ दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे लकलस को। बट यहाँ पे हम आ चुके हैं कि दिक्कत बढ़ाने पोटास की, क्योंकि हम डी आर एस रेंज में हैं और यहाँ पे मेन स्टेट पर भी आ चुके हैं, तो इसका मतलब हमारे पास होगा डी आर एस। यहाँ पे पिट में जाते हुए यहाँ पे बस्टापन और पिटिंग इन दिस लाइव आने की सेकंड पिट स्टॉप कराने का टाइम आ गया गाइस, तो वो देखते हैं। पहले यहाँ पे बोटास को तो भी छोड़ दें, यहाँ पे गेनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे रितेश काफ़ी तेजी के साथ यहाँ पे पास आ रहे हैं, यहाँ पे बोटास के पर टास के ऊपर प्रेशर, डेफिनेटली यहाँ पे इनसाइड में मूव करते हुए यहाँ पे आगे जाने के लिए रितेश, और इनसाइड लाइन और बिल्कुल यहाँ पे ओवरटेक कर ले, हाँ यहाँ पे आउटसाइड में थे, यहाँ पे हो सकते थे यहाँ पे रितेश अगर यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्टिविट है, आपको काफ़ी अच्छा कुछ ट्राई करते हैं यहाँ पे बोटास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पे ओवरटेक कर लिया बोटास को, आ चुके हैं सेकेंड पोजिशन पर। और यहाँ पे हमारा आगे चलते हुए लुईस हैमिल्टन, ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी हमारी एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि हमने सॉफ्ट लगवाए थे क्योंकि उन्होंने मीडियम्स लगवाए हैं, तो उसका डेफिनेटली हमें टायर एडवांटेज था हमारे पास, टायर पे एडवांटेज। बट यहाँ पे हम पिट में जाते हुए और यहाँ पे दोनों मर्सिडीज अभी स्टे रहेंगी क्योंकि उनके पास मीडियम टायर है, तो डेफिनेटली देर तक पुश करेंगे अपनी कार को, बट हमारे टायर्स तो अब चेंज करने का टाइम भी आ गया, अगर हम पुश भी करके क्या ही करना फिर, जब अब उतना टाइम तो देना चाहते हो ना कि जब वो भी चली जाएंगे अच्छे खासे मीडियम्स, तो ऐसा क्यों है कि आप फालतू में लंबा खींचो एक पुराने टायर को, ऐसा तो है नहीं कि मीडियम टायर पे कोई दिक्कत आ जाएगी, 14 लैप नहीं चल पाएंगे, आराम से चल जाएंगे, जब 10 लैप तो ये चल रहे हैं तो आराम से चल जाते हैं, तो जबरदस्ती पुश नहीं करना चाहिए फालतू में। और वर्स्टापन आ गए हमसे 15 सेकंड, यानी कि वो ओरिजिनली हमसे 15 सेकंड आ गए हैं, बाकी बोटास तो ओरिजिनली नहीं है क्योंकि अभी पीड़ भी नहीं गए हैं, अभी ज्ञान जो यहाँ पे लैप कर रहे हैं, बट वर्स्टापन हमसे ओरिजिनली आ गए हैं क्योंकि उन्होंने पिट भी करा लिए सारे, और हमारे भी हो चुके हैं पिट स्टॉप सारे, यहाँ पे काफ़ी सारी लैप कार्स आ चुकी हैं हमारे सामने, बट अच्छी खासी साइड दे रही हैं, काफ़ी यहाँ पे चौड़ाई वाला ट्रैक है तो मिल जाती है साइड, यही दिक्कत होती है जब पलट ट्रैक होता है और टर्न्स पे, क्योंकि टर्न्स भी दे नहीं पाता है बंदा साइड, कहाँ से दे, और AI सिस्टम तो ऐसा भी है कि सामने ब्रेक मार देता है मेरे कई बार बहुत ही केयरफुल निकलनी पड़ती है जब मोड़ पर साइड देखता है लैप कार। बट यहाँ पे हैमिल्टन जा चुके थे पिट में, और जिसकी वजह से यहाँ पे हमने उनको कर लिया है अंडरकट, क्योंकि हम उनके पहले चले गए थे, तो ये हमारे लिए अच्छी बात क्योंकि वो बाद में गए हैं पिट स्टॉप डेफिनेटली, और उन्होंने दोबारा सॉफ्ट टायर लगवाए हैं, सॉरी बोला मीडियम ही टायर लगवाए हैं, ये काफ़ी अलग स्ट्रेटजी, बाकी क्योंकि उनके पास था यार अच्छा खासा सॉफ्ट टायर लगवा थे, उनके पास टायर एडवांटेज होती, पेसेज एडवांटेज तो है ही मर्सिडीज की, उस जैसा कि तुम देख सकते हो मीडियम टायर साथ ही इतना गेन कर रहे हैं, बोटा से यहाँ पीड में जा चुके हैं, तो बोटा से चलो पहले से पीछे थे, बट तब दोनों मर्सिडीज की वही सेम स्ट्रेटजी, सॉफ्ट क्यों बोल देता हूँ यार मैं, मीडियम्स एंड मीडियम्स के साथ में गए हैं, तो ये पता नहीं क्यों नहीं लगवाएं सॉफ्ट, बट उनका पेस काफ़ी अच्छा था, वो मीडियम के साथ भी यही मैं बोल रहा हूँ कि मीडियम के साथ इतना पेस आ रहा है तो वो सॉफ्ट के साथ क्यों नहीं गए, आई डोंट नो उनकी मर्जी, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्लो ही रहेंगे हमसे, एक सेकंड ज़्यादा फास्टर होते हैं मैंने तो सॉफ्ट टायर मीडियम से। बट यहाँ पे डी आर एस यहाँ पे लुईस हैमिल्टन के पास, और यहाँ पे लुईस हैमिल्टन काफ़ी आराम से वोटिंग करते हैं, क्या यहाँ पे इनसाइड में होंगे, यहाँ पे लॉकअप मारते हैं यहाँ पे लुईस हैमिल्टन, बट यहाँ पे कोई चांस नहीं, यहाँ पे इनसाइड लाइन में दिख जरूर रहे थे यहाँ पे रितेश, लेकिन वहाँ पे काफ़ी पीछे थे वो, पूरा कार लेंथ पीछे थे, बस वो कैमरा एंगल ऐसा था कि लग रहा था वो बराबर में है, और बिल्कुल यहाँ पे ओवरटेक कर लिया यहाँ पे लुईस हैमिल्टन ने, और वापस पहुँच गए अपनी सेकेंड पोजिशन पर। बट क्या यहाँ पे रितेश फॉलो कर पाएंगे, जी हाँ यहाँ पे अभी तक तो लास्ट कॉर्नर्स तक तो यहाँ पे मेन स्ट्रेट तक तो यहाँ पे डेफिनेटली फॉलो किया है, और इसका मतलब है वो डी आर एस में है, और यहाँ पे रितेश के पास होगा डी आर एस, और हाफ कर लेन पीछे हैं तो अच्छा खासा चांस है यहाँ पे, क्योंकि ये 0.5 में वोटिंग हो सकती है अगर आप ये अच्छी खासी स्पीड हो, और काफ़ी अच्छा खासा स्टेट भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आगे आते हो, लेकिन यहाँ पे आउटसाइड में होंगे यहाँ पर रितेश, तो यहाँ पे क्या ओवरटेक कर पाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे ओवरटेक करते हैं यहाँ पे इनसाइड, क्योंकि इस टर्न पड़ेगा टर्न टू,
और बिल्कुल यहाँ पे ओवरटेक कर लिया यहाँ पे लुइस हैमिल्टन को वापस। यहाँ पे लुइस पहले कार्लोस सेंस के साथ यहाँ फाइट चल रही थी और अब यहाँ पे लुइस हैमिल्टन के साथ यहाँ फाइट चलती है हमारी, जो कि सीजन काफ़ी हमने फाइट करी है लुइस हैमिल्टन के साथ एंड मर्सिडीज के साथ। जिसे करनी है वो तो बंदा 15 सेकेंड आगे चल रहा है। नारे यहाँ वापस लुइस के पास DRS और यहाँ पे काफ़ी लेट टर्न किया यहाँ पे रितेश ने, काफ़ी देखना चाहते थे कि देर में मैं टर्न क्यों करूँ लुइस से, क्योंकि उनको जगह ना मिले अच्छी खासी और भाई किया उन्होंने और ऐसा लगा कि एक टाइम को कॉन्टैक्ट भी हो सकता था बट नहीं हुआ। वही सेकंड स्टेट है बट सेकंड स्टेट पे आप उतना उतनी वोटिंग होती नहीं है, बस वो ऐसे दिखाने लायक है। बहुत ही अच्छा एग्जिट करना पड़ता है, बहुत ही पास होना पड़ता है, यानी कि 0.2 में होना पड़ता है आपको, जैसे कि इस टाइम है यहाँ पे लुइस हैमिल्टन। और जब आप वोटिंग अच्छा खासा चांस होता है जैसे कि यहाँ पे करते हुए यहाँ पे लुइस हैमिल्टन, जैसे ही मैंने बोला वैसे वो करते हुए और बिल्कुल यहाँ पे आगे निकल चुके हैं और डेफिनेटली यहाँ पे इनसाइड में यहाँ पे हैं लेकिन रितेश, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे क्योंकि फिर से यहाँ पे इनसाइड में हो जाएंगे लुइस हैमिल्टन और इस बार डबल राइट हैंडर पड़ेंगे लुइस हैमिल्टन के पास, यानी कि और ज़्यादा इनसाइड और बिल्कुल यहाँ पे स्टे हैं यहाँ पे सेकेंड पोजिशन पर लुइस हैमिल्टन और ओवरटेक कर लिया है रितेश को। बट फिर से यहाँ पे हम फाइनल टर्न्स आते हुए मैंने स्टेट आ चुका है और 0.7 सेकंड 7/10 पीछे हैं DRS है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ओवरटेक करने के लिए 7/10 में, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वही मर्सिडीज जैसी कार को। बट यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी स्विफ्ट मिलती हुई यहाँ पे, क्या ओवरटेक करेंगे यहाँ पे नहीं, जैसे कि मैंने बोला डिफिकल्ट होता है आपको 0.54 में आप कर सकते हो लेकिन 0.7 कुछ ज़्यादा ही हो जाता है भले कितना लंबा स्टेट हो फिर। और यहाँ पे सेकेंड स्टेट पर आ चुके हैं, DRS तो है बट उतना पास नहीं जितना होना चाहिए उसके लिए। बट यहाँ पे लेट ब्रेकिंग यहाँ पे ट्राई करते हुए ली थी और यहाँ पे काफ़ी क्लोज यहाँ पे, लेकिन फाइनली यहाँ पे आगे निकल चुके हैं, काफ़ी वाइड मेरे ख्याल से गए थे वो और काफ़ी मतलब डाइव बॉम्ब मारा और लंबा और बड़े यहाँ पे स्मोक निकलता हुआ यहाँ पे लटी फीकार से और इसका मतलब यहाँ पे बाहर होते हुए, क्योंकि आपकी कार में से अगर स्मोक निकल रहा तो आप बाहर हो चुके हो क्योंकि आपके पास आपका हो चुका है मैकेनिकल फेलियर। बट यहाँ पे काफ़ी डाइव एक बॉम्ब मारा और बट सक्सेसफुली वो रहा और ओवरटेक कर दिया। बट यहाँ पे बोटास अपने टीम मोड को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे लुइस हैमिल्टन बोटास यहाँ पे फाइट करते हुए व्हील टू व्हील यहाँ पे टर्न टू पे टर्न थ्री पे यहाँ पे होंगे बिल्कुल यहाँ पे काफी यहाँ पे कॉन्टैक्ट दोनों मर्सिडीज के बीच और ये तो काफ़ी मज़ेदार था। आज हमने दोनों चीज़ें देख ली हैं, फरारी भी में टकराई है, फरारी की वजह से फरारी स्पिन हो गई और यहाँ पे मर्सिडीज में टकरा गई और ये तो वो दोनों हैं जिनको ये ऑर्डर दिया जाता था कि बोल्टारी इट्स जेम्स उसने टक्कर मारी है लुइस में, हमारा तो इसमें फ़ायदा हुआ है आपस में लड़ रहे थे ऊपर से दोनों ने आपस में टक्कर मार के मेरे कुछ डैमेज भी कर लिया जिसकी वजह से वो हमारे पास आ नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा फायदा हो गया है तो थैंक यू वेरी मच। बट यहाँ पे मैक्स वर्स्टैपन ने बिल्कुल 17 सेकेंड की एक तरीके से मान के चलो 16.9 सेकेंड आ गए हैं और डेफिनेटली काफ़ी अच्छी खासी लीड के साथ यहाँ पे आगे चलते हुए आराम से बिल्कुल चल रहे हैं आगे। और सर्जी पैरेज मेरे को आज नहीं दिखाई पड़े जहाँ भी हों रहें, क्योंकि हम तो सेकंड पोजीशन पर आ रहे हैं बट हमें सेकंड पर नहीं आना था यार, चैंपियनशिप जीतनी है तो मैक्स वर्स्टैपन को फर्स्ट नहीं आना और हमको फर्स्ट आना है, या अगर हम फर्स्ट नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली मैक्स वर्स्टैपन को तो नहीं आना है, ये है एक तरीका। बट वही हो रहा है कि हम भी नहीं आ रहे हैं फर्स्ट बोर्ड, मैक्स वर्स्टैपन भी आते जा रहे हैं बट यहाँ पे मेरे सामने दो लैपकास यहाँ पे ऑस्टन मार्टिन वैसे भी दो मर्सिडीज दो फरारी टकरा चुकी हैं यहाँ पे मेगा से, हल्का सा कॉन्टैक्ट हुआ मेगा से लेकिन इतना अच्छा ठीक है बच गया नहीं हुआ यहाँ पे कॉन्टैक्ट। बट काफ़ी आज टीममेट से फाइट कर रहे हैं और आपको येलो फ्लैग ब्लू फ्लैग दिखाया जाएगा तो आपको हमें साइड देनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे फाइनल लैप चला और इन दोनों की फाइट के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा मैं ध्यान भी बैठा कि जिसकी वजह से मैं काफ़ी वाइड चल जा रहा था एक तरीके से बट बच गया मैं जाते जाते वहाँ पे, मैं तो डेफिनेटली पता चला मैं ही चला जाता इनके चक्कर में। बट यहाँ पे मैक्स वर्स्टैपन जीते हुए मैक्सिकन ग्रैंड प्री। What a race! बिल्कुल यहाँ पे हैट्रिक मार ली उन्होंने, लगातार 3 रेस जीतती हैं और बहुत ही अच्छी खासी लीड बनाते हुए चैंपियनशिप में। और यहाँ पे रितेश टेक्सास रेड फ्लैग और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आए हैं, सेकंड भी आज कुछ नहीं दर्द देता मेरे को और बहुत दर्द देता है सेकंड क्योंकि मैं फर्स्ट आता है, कोई और जीत ही नहीं रहा है पता नहीं क्यों। यहाँ पे नॉन दो नोरिस यहाँ पे ड्राइवर ऑफ द डे हैं, बट हम कब जीतेंगे भाई जब ये चैंपियनशिप निकल जाएगी। बट
Talk to me, Ants. What was it that set them apart from the competition today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalise on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. There's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves. यहाँ भी रिजल्ट मैंने बनाया तो गाइस यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट पैर सेकंड पे रिते सिंह थर्ड पे बोटास से 12th नंबर पे एस्टेबनो कौन पर लेफ्ट में अच्छा खासा स्टार्ट के बाद में ठोक दी थी यहाँ पे दो ड्राइवर्स बारह निकले टीफी एंड जहान दरवाला स्टैंडिंग्स में मारा तो मैं फर्स्ट अपन ने फर्स्ट पे सेकंड पे बोटास थर्ड पे तेज से 46 पॉइंट्स पीछे यहाँ पे मैं फर्स्ट अपन से और ये अच्छी बात नहीं है बट यहाँ पे टीम सुनने में तो रेडबुल फर्स्ट पे सेकंड में मर्सिडीज थर्ड पे गेम्स ऑफ रेसिंग फोर्थ पे फरारी फिफ्थ पे मैकलैरन सिक्स पे अल्फिन सेवन पे अल्फाथौरी एट पे ऑस्टन मार्टिन ने नाइन्थ पे विलियम्स अल्फा रोमियो हास के पास कोई पॉइंट नहीं है आप इंटरव्यू देखते गाइस रियली सीम टू एंजॉय दैट यू मेड इट लुक इजी वुड यू से द चैंपियनशिप इज ऑलरेडी वन एट दिस पॉइंट दैट वाज अ क्लोज फिनिश हाउ वर थिंग्स बिटवीन द टू ऑफ यू हाँ डेफिनेटली ये तो होने था राइवलरी ब्रेकडाउन में तो सारे टिक मार्क करने थे मैक्स वर्स्टैपेन क्योंकि जो रेस जीतेगा वो तो सारे टिक मार्क करेगा और ये बंदा राइवलरी भी दूर लेता जा रहा हमसे लेके जा रहा है और चैंपियनशिप भी भाई कैसे मतलब बहुत ही अब तो चार में से चार रेसें रह गई हैं मेरे ख्याल से और चार में से चारों तो जीतनी है उसके बाद मैक्स वर्स्टैपेन कहीं एक बार मेरे ख्याल से आगे पीछे बहुत ही आगे पीछे हैं जब जाके कुछ होगा चमत्कार करना पड़ेगा यहाँ पे हमको बट देखते हैं होता है कि नहीं होता क्योंकि हम तो अब जीत ही सकते हैं हमारे हाथ में स्टापन का रिजल्ट तो नहीं है हमारा मतलब हमें हमारा रिजल्ट है बट आई होप गाइस तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड कोई बात नहीं कम बैक करेंगे अपना हम अपना जैसा पूरा ताकत लगाएंगे और देखते हैं क्या ही होता है वैसे भी चैंपियनशिप काफ़ी अच्छी चल रही है एक रेस की बात है एक रेस में मैं स्टापन बाहर होगा तो पता चल जाएगा फिर क्योंकि बदल जाएगी बट अभी भाई अभी तो कुछ नहीं हो रहा तो उम्मीदें हैं बट देखते हैं क्योंकि इस गेम में कुछ भी हो सकता है तो थैंक यू गाइस इस वीडियो देखने के लिए एंड ऐसे ही देखते हो लाइक कर दो इस वीडियो को प्लीज़ एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए बाय बाय।